नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैल्शियम का एक जबरदस्त सोर्स बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस वक्त हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, तो दोस्तों डॉक्टर हमें कैल्शियम का सप्लीमेंट खाने की सलाह देते हैं, या फिर प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान जब शरीर को अतिरिक्त कैल्शियम की जरूरत होती है तब भी कैल्शियम के सप्लीमेंट खिलाए जाते हैं। ये नेचुरल नहीं होते हैं, कैप्सूल्स हमारे प्रैक्टिकली और केमिकली बने हुए होते हैं। बचाए इसके कि हम नेचुरल सोर्सेज से कैल्शियम ले तो वो हमारे शरीर को ज्यादा फायदा पहुँचाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कैल्शियम का एक नेचुरल सोर्स बताने वाली हूँ जिसका नाम है वंशलोचन, यानी कि वंशलोचन भी इसे कहा जाता है। यह एक 100% नेचुरल कैल्शियम है जो हमें बांस के पेड़ यानी कि बेम्बू ट्री से मिलता है। बांस के पेड़ की जो गांठें होती है उसमें यह कैल्शियम जमा हो जाता है और जब बांस के पेड़ को काटा जाता है तो फिर यह कैल्शियम उसमें से निकलता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक की दृष्टि से इसका प्रयोग कई तरीकों की दवाइयां जैसे कि चून बनाने में भी किया जाता है। इसकी प्रकृति शीतल होती है यानी कि यह ठंडी प्रकृति का होता है, लेकिन बावजूद इसके श्वसन संबंधी बीमारियों, कफ संबंधी बीमारियों का इलाज करने में यह बहुत हेल्पफुल होता है। वंशलोचन दिखने में सफेद मिश्री के दाने जैसा होता है और आपको बाजारों में इसका बना बनाया भी पाउडर मिल जाता है, लेकिन पाउडर लेने के बजाय मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसके सॉलिड दाने ही लीजिए ताकि कोई अशुद्धि इसमें ना मिल सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कफ की समस्या है या फिर छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा कफ बनता है तो उस केस में सिर्फ एक चम्मच शहद के अंदर एक चुटकी वंशलोचन पाउडर मिलाकर उसे दे देंगे तो कफ की समस्याओं का निजात हो जाएगा। और आप इसे चून की फॉर्म में भी दे सकते हैं, या फिर अगर जिन लोगों को अस्थमा रहता है यानी कि दमे की शिकायत रहती है तो उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है। आपको उस केस में भी वंशलोचन को शहद में मिलाकर प्रयोग कराना चाहिए। इससे अस्थमा की प्रॉब्लम से भी निजात मिलता है। जो बड़े लोग हैं वो इसको आधा चम्मच भी ले सकते हैं। और उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान पे अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात की समस्या होती है, तो उस केस में भी वंशलोचन का सेवन अगर दूध के साथ करवाया जाए तो सिर्फ आधा ग्राम, तो इससे गर्भपात की समस्या भी खत्म हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला वंशलोचन का सेवन करती है तो बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और बच्चा गोरा पैदा होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा आयुर्वेदिक की बुक्स में लिखा गया है। उसके अलावा जिन लोगों को हाथों पैरों में जलन रहती है उन्हें भी एक चम्मच शहद के अंदर सिर्फ एक ग्राम वंशलोचन मिलाकर डेली लेना चाहिए। उससे जलन में भी आराम मिलता है और यह परेशानियां जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर मुँह में छाले हो गए हैं तो उस केस में भी वंशलोचन का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं या महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी खाती है, चौक खाती है, उन लोगों की यह परेशानी भी ठीक हो जाएगी अगर आप उन्हें वंशलोचन का सेवन कराते हैं। तो ऐसे ही एक या दो चुटकी को शहद में मिलाकर सेवन कराना है। उसके अलावा आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों को ताकत देने के लिए, जो लोगों की हड्डियां कमजोर हैं और जिनमें कैल्शियम की कमी है, उन्हें पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द, कंधे में, कमर में दर्द रहता है, उन्हें आपको आधा आधा चम्मच वंशलोचन शहद में मिलाकर देना चाहिए या दूध के साथ देना चाहिए, या फिर आपको इसको बादाम की ठंडाई में मिलाकर भी दे सकते हैं। आपको बहुत आराम मिलेगा, शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन अब किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना है? वो लोग जिन्हें पथरी की समस्या है, बार बार स्टोन हो जाता है और या फिर पहले स्टोन हो चुका है, उन्हें वंशलोचन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें कैल्शियम सोर्सेज का सेवन नहीं करना होता है। अगर वो सेवन करते हैं तो हो सकता है पथरी दोबारा हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को चूना भी खाने की सलाह नहीं दी जाती। जी हाँ दोस्तों, इसमें चूने की मात्रा अत्यधिक होती है, उसके अलावा भी कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।